आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आपको अगर अपनी एक वेबसाइट एक जगह से एक होस्टिंग से उठा के किसी दूसरे होस्टिंग के अंदर लेके जानी है तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आपको अगर अपनी एक वेबसाइट एक जगह से एक होस्टिंग से उठा के किसी दूसरे होस्टिंग के अंदर लेके जानी है तो आप ऑब्वियसली बात है ऐसा तो नहीं करेंगे कि नई होस्टिंग के ऊपर आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप वो तमाम वेबसाइट पूरी वेबसाइट स्क्रैच से बनाएंगे। अगर हमारे पास जो ओल्ड वेबसाइट है सिर्फ हम उसका बैकअप लें, उसको एक्सपोर्ट करें और नई वेबसाइट जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर सिंपली इंपोर्ट कर दें, आपका एग्जैक्टली सेम वही वेबसाइट नई वेबसाइट के ऊपर चली जाएगी। तो इस माइग्रेशन को किस तरह से करना है, कौन कौन से प्लगइन्स इसके लिए यूज़ होते हैं, तो उनको चल के देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमारे पास प्लगइन है वो है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लगइन और बहुत ईजी है, सिंपल एक जगह से एक्सपोर्ट करना है, दूसरी जगह पर इम्पोर्ट करना है ये प्लगइन, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और प्लगइन है जिसका नाम है डुप्लीकेटर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लगइन है। और इसके अलावा थर्ड प्लगइन है अपड्राफ्ट प्लस, ये प्लगइन स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट का बैकअप भी रखता है। अगर आप मतलब आपका जो है गूगल ड्राइव है या कोई और ड्राइव है, आप ये प्लगइन इंस्टॉल करें, अपने गूगल ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपकी वेबसाइट आप इसको जिस तरह से सेट करेंगे, बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको आपको डेली बैकअप, वीकली या मंथली बैकअप लेना पड़ता है उन वेबसाइट्स का, तो ये प्लगइन ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव के अंदर आपकी वेबसाइट का बैकअप रखता जाएगा और अगर कोई भी इशू आता है वेबसाइट के अंदर तो आप बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि बैकअप एंड माइग्रेशन के लिए कौन कौन से प्लगइन यूज़ होते हैं और कौन से यूजफुल प्लगइन्स हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।